अल्लाहर अल्लाम नाज़रीन। टी वी असातिर से गाज़ी मोहम्मद अब्दुल्ल हाज़र ख़िदमत है नाज़रीन नौ नवंबर करीब आ रहा है और ये महीना और ये दिन हमें बरज़ीम पाक हिंद की एक इंतहाई नायाब एक बेहतरीन शख्सियत मोहम्मद इकबाल रमतल की याद दिलाता है अलामा मोहम्मद इकबाल न सिर्फ़ पाकिस्तान पाकिस्तानियों मुसलमानों और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ही हीबिल कदर नहीं हैं बल्कि मेरी राय में ये पूरे एशिया के लोगों इंसानों के लिए एक राह हैं एक मोटिवेशन है और इसी तरह पूरी दुनिया के महकूम मजबूर मजलूम इंसानों के लिए एक उम्मीद का पैगाम है एक हुर्रियत का पैगाम है तो मेरी नज़र में अलामा मोहम्मद इकबाल को जितना भी आप पढ़ते चले जाएं और गहराई से देखते चले जाएं, तो एक चीज़ बड़ी खुल के आश्कार होती है कि मोहम्मद इकबाल आज़ादियों के कायल हैं वो इंसान के अशरफुलमखलूक़ात होने के इस शर्फ के बहुत ज़्यादा कदरदान हैं और इसी बुनियाद परामा मोहम्मद इकबाल की शायरी उनका फ़लसफा और उनकी फ़िक्र और उनका पैगाम वो बुनियादी तौर पर फलसफा खुदी पर या खुदी के नज़रिए पर घूमता है जैसा कि आप जानते हैं कि स्टोरिया टी वी असातर परामा महमद इकबाल के हवाले से गाहे गाहे प्रोग्राम पेश करते रहते हैं जिसको हमने मोहम्मद इकबाल सीरीज़ का नाम दिया है इसी सिलसिले में आज एक इंतहाई अहम मौजु पर हम गुफ्तू करेंगे और उम्मीद है कि आप इस मौजू के मंदरजात और इस मौजू की अहमियत के पेश नज़र हमारे साथ जुड़े रहेंगे हमारा जो मौजू है आ, उसका है अमामा मोहम्मद इकबाल काउंट यटोनियो और मलूकियत मैं इससे पहले आ... कि मोहम्मद इकबाल काउंट यूटोनी और मलूकियत के हवाले से इन दो अहम शख्सियात के जो नज़रियात हैं उनका एक तकबुल पेश करूँ थोड़ा सा ये बताना ज़रूरी है कि काउंट ये कौन है काउंट यूटोनियो नाजीन एक अलालवी मुफवक् हैं जिन्होंने फ्रांस से ज़रा पहले मलूकियत पर एक अनहाई ही जान अंगेज़ किताब लीला और मददे के नाम से लिखी थी ये किताब इस क़दर मकबूल हुई कि यूरोप की तमाम अहम ज़ुबानों में इसका तर्जुमा हुआ यहाँ तक कि अरबी और उर्दू में भी ये मुंतकिल की गई हमारे आज का जो मौजू है और इस हवाले से जो गुफ्तु हमारी होगी वो दरअसल काउंट यूटोनीो की इस किताब और मोहम्मद इकबाल के नज़रियात का एक तकबली जायज़ा है और उसमें दोनों के नज़रियात में बाज़ जगह पर बड़ी हैरत अंगेज़ मुमाशलत भी आपको मिल सकती हैं। लेकिन हमारा इस पूरी गुफ्तू का लब लाप ये है कि काउंट यटोनीयो हों या महमद इकबाल हों या फिर दुनिया की तारीख के जितने भी बड़े मुफक्रन और अपकरी गुजरे हैं या जो रिफ़ॉर्मर्स गुजर रहे हैं या बड़े थिंकर्स गुजरे हैं उन सब में एक बड़ी अहम चीज़ जो मुश्तरक रही है कि उन्होंने इंसानों और उनसे मतलक अहम जो मामूलत पर गुफ्तु की है उन्होंने बड़ी ही दर्दमंदी से इस बात की तरफ इशारा किया है कि इंसान अजल से एक गुलामी और इस तरह के इस्तात पर मबनी नज़ामों का शिकार रहा है तो इस तनाजुर में काउंट यटोनीयो की इस किताब में बहुत से अहम मौजूद और सवाल जो उठाए गए आ, या जिन अहम मसाइल की तरफ तोज्जो दी गई मेरा ख़्याल है कि किमा मोहम्मद इकबाल ने बीसवीं सदी में इस चीज़ पर बहुत ही मुनफरद अंदाज में खुलकर बात की है और बड़ी आ, बेहतरीन अंदाज में अपने पैगाम को पहुँचाया है जहाँ तक काउंट यूटोनी की बात है तो इसमें यटोनी ने अपनी इस किताब में चंद अहम मौजूद या वो जो सवालात हैं जिन पर उसने गुफगू की है हम जस्ट उ, उनको थोड़ा सा पिन पॉइंट कर लेते हैं उनके एक वाज तौर पर हम उसकी एक तरतीब बना लेते हैं इस हिस्से में सबसे पहला सवाल जो यतोनीओ ने जिस चीज़ को उसने अपनी इस किताब में उसको ज़िक्र किया है तफसील से उस पर अपनी राय का इज़हार किया है वो ये है कि मलोकियत है क्या असल में इसी तरह दूसरा जो अहम सवाल इस किताब में हमें मिलता है वो है मलोकियत और मज़हब का जो बाहमी गठजोड़ है ये क्या चीज़ हैं इसी तरह इल्म और मलोकियत का भी जो आपस में ताल्लुक़ है या उनके जो मामला हैं उसको भी इसने बड़ी तफ़ील से इसका ज़िक्र किया है मलूकियत और इज्जत ये एक और अहम मौजू है जिस पर यूतनी ने आ, कलम उठाया है इसी तरह मलूकियत और अखलाक के जो बाहमी ताल्लुक़ के तनाजुर में यूतोनी ने अपने नज़रियात को पेश किया है और आखिर में फिर उसने मलूकियत और तमीर का जो मौजू है इस पर भी बात की है अब अहम बात, बात यह है हमारी आज की गुफ्तु में कि यूतोनीों के इन नज़रियात और इन जो अहम निकात के हवाले से अलामा मोहम्मद इकबाल क्या फरमाते हैं हम कोशिश करेंगे कि हम एक मरबूत अंदाज़ में और एक सादा से सादा अंदाज में इस इंतहाई अहम लेकिन थोड़ी सी मुश्किल बहस को हम उठाएं और इस पर किसी मंत की नुक्ते पर पहुंचाएं तो आइए हम आज की गुफ्तु पर बढ़ते हैं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं आपसे ज़रूर तो रखूँगा कि आप हमारी ये वीडियो को मुकम्मल देखिएगा अगर आप इस इन तमाम मौजुआत से दिलचस्पी रखते हैं और मेरा ये ख़्याल है कि हमारी आज की गुफ्तु इस लिहाज से भी अहम हो सकती है कि जो पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में इस वक्त जो इंसान और इंसानियत और गुलामी और महकूमियत जो हर तरह की है उस तरह के जो मामला हैं वो हमारे सामने हैं और मजमू तौर पर देखा जाए तो ऐहद हाजिर में इस जदीद तरक्याफ़्त दुनिया में भी इंसान के ये बुनियादी सवाल हनोज हल तलब हैं तो आइए अपनी आज की गुफ्तु की तरफ बढ़ते हैं नाजिन मलोकियत क्या है मलोकियत दरअसल एक ऐसा निज़ाम हुकूमत होता है जिसमें एक या चंद अफरा तमाम ज़िम्मेदारी से बेनियाज़ होकर मामलाते सल्तनत को हकूमत को सर अंजाम देते हैं मलूकियत का मकसद ज़रूरी नहीं है कि ये इंसानी ख़िदमत ही हो बल्कि बसाओक़ात बल्कि अक्सर अवत इसमें लूट खसूट और शख्सी अगराज़ की तकमील जो है वो शामिल होती हैं इस हिस्से में हकूमत की सूरतें हो सकती हैं मिसाल के तौर पर कि तमाम इख्तियारत किसी फ़र्द वाद के हाथ में हो सकते हैं या फिर इकदाराला या इख्तियार जो है ये चंद मखसूस अफराद या चंद अफरा के ग्रोह के हाथ में होता है तीसरी भी एक सूरत हो सकती है मलूकियत की जिसमें बहुत सारे अफराद के हाथ में भी इख्तियार हो सकते हैं और वो अपने दीगर जो लोग हैं उन पर अपने इस का सिक्का वो जमा जा सकते हैं इन मुख्तलिफ मुख्तफ़ हुकूमत को मुख्तलिफ तरह के नामों से याद किया जाता रहा है मिसाल के तौर पर इस्ताद एक लफ्ज है इसी तरह अरिस्टोक्रेसी है बज जगह पॉलिटी का नाम भी इसको दिया गया है इसी तरह फ़िलासफ़र्स के यहाँ ओलीगैरिकी का लफ्स भी इस्तेमाल किया गया है बाद जगह ऑटोक्रेसी जो है वो भी इसकी इसका मफहोम बयान करती हुई नज़र आती है आमरीत भी दरअसल इसी की ही एक रिफ़ाइंड शक्ल आप कह सकते हैं फिर रिपब्लिक का तस्वुर है फिर जदीद दुनिया में हम देखते हैं कि फेडरेशन या फेडरलज़्म है फिर पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है या पार्लिमानी नज़ाम हकूमत और जमहूरीत वगैरह ये तमाम नाम जो हैं ये तारीख़ के मुख्तलफ अहम अदवार का एक पूरा लम्बा सफ़र तय करके ये हम तक पहुँचते रहे हैं इस सिलसे में एक बड़ी अहम चीज़ हमें जे में रखनी चाहिए कि हकूमत जब अपने फ़्राइज को अंजाम देती है तो पहला सवाल ही ये उभरता है कि ये फ्राइज़ किस तरीके से अंजाम दिए जा रहे हैं इसका मतमा नज़र अगर तो अदलो इंसाफ़ है अहसान है आवाम की अखलाकी, रूहानी और माशरती फल बहबूद है तो फिर तो ये एक बायस रहमत हो सकता है ये निज़ाम वरना वही निज़ाम अगर ये तमाम खसूसियात ना हों तो फिर इस सूरत में एक अच्छी से अच्छी हुकूमत भी एक लानत बन सकती है चुनाचे हुकूमत आवाम की या राया की तमाम जिस्मानी ज़रूरियात यानी ऐसे कफ़ील होती हैं और इसी तरह अपने अफकार नज़रियात की अशात में पूरी आज़ादी भी इसमें हासिल होती है अच्छे नज़ाम हकूमत में इसी तरह एक इतमान भी आम लोगों को नसीब होता है कि हुकूमत रंगो नस्ब के इम्तियाज़ा से बाल तर होनी चाहिए लेकिन शख्सी हुकूमतों का मसला ये है कि वो इन तमाम औसाफ से या तो बिल्कुल ही नाबल्द होते हैं या फिर अमूमी तौर पर मुख्तलिफ़ अंदाज से इन ख़ूबियों से इनको दबाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं यहाँ पर है? यूटोनिया का ख़्याल ये है कि इंसाफ नोए इंसानी का बाप है और आज़ादी उसकी माँ है। वो लिखता है कि एक जालिम हुकूमत इन दोनों की कातिल बन जाती है मज़लूम राया को यतीम और लावारिस बच्चा तस्वुर कर लीजिए जो जहालत व गफलत के गहवारे में सो रहा है फ़लसफ़ी और मुफक्र इनके जवान और समझदार भाई होते हैं जो इन्हें जगाने और पंजाइज तब्दाद से छुड़ाने के लिए अपनी इस तमाम ज़िंदियाँ त्याग देते हैं ये ये तोनियों के इब्तदाई नज़रियात हैं जो कि इस किताब में हमें मिलते हैं इलामा मोहम्मद इकबाल यानी हकीम मशरक़ उनकी नज़र में हुकूमत की दो किस्में हैं बुनियादी तौर पर इकबाल कहते हैं कि एक हकूमत खुदाई हकूमत है यानी जो अल्लात पर मबनी होती है और दूसरी जो है वो इबलीसी हकूमत है चुनाचे मोहम्मद इकबाल अपनी पूरी ज़िंदगी में इन दो नज़ाम हकूमत के बाहमी कशमकश पर ही उन्होंने ज़्यादातर बात की है और वो ज़ाहिर है इस सिलसिले में वो जो लाहीत पर मबनी जो हकूमत है उसको इंडोर्स करते नज़र आते हैं और इबलीसी निजाम और इबलीसी निज़ाम हुकूमत इसकी जगह जगह उन्होंने मजम्मत ही की है इकबाल का ख़्याल ये है कि मलोकियत के लिए लाजिम नहीं है कि इकतदाराला सिर्फ शख्स वाहिद के ही कब्ज़े में हो बल्कि मलोकियत कभी आटोक्रेसी की सूरत में भी जलवागर हो जाती है कभी वो जमहूरीत का भीस भी बदल लेती हैं और जिस मुल्क में इंसाफ ना हो जहाँ अरबाब मकसद हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा दौलत समेटना हो और जहाँ अरबाब कमाल गलियों की खाक छान रहे हों और नााहल लोग मुनासिब हुकूमत पर फायज हो जाए और जहाँ पर इल्मी और अखलाकी अकदार की कीमत महज चंद जर्रों से भी कम हो तो फिर ज़मीर की आज़ादी गुनाह ठहरती है और हक गोई बगावत तस्वर की जाती है समझ लीजिए कि फिर पार्लिमानों और इसम्बली की आड़ में असल में इकबाल का ख़्याल है कि ये मलूकियत एक नंग या नाच नाच रहा होता है इसीलिए लिए जमहूरी साज के हर तार से इकबाल का ख़्याल है कि नवाए चंगेज़ और हलाकू निकल रही होती हैं अरस्तु के यहाँ भी जमहूरीत जो है उसका ख़्याल था कि ये बदतरीन निज़ाम हुकूमत थी इसलिए कि जमहूरियत अरस्तु की नज़र में चंद अफराद जो हैं वो हज़ारों लोगों के ऊपर उनके हकूक कसब करके बैठ जाते हैं और महज़ अपनी राज के लिए वो आवाम की फलाह व बहबूद को यकसर फरामोश करते हैं अब उसी तरफ दोबारा आएँ तो काउंट यतोनीो जो है वो क्या कहता है काउंट यतोनीो कहता है कि मलूकियत किसी जब्ते की पाबंद नहीं होती बल्कि शख्सी हुकूमतें या एक हद तक उसकी पाबंद होती हैं मगर इख्तियार रखती हैं कि जब चाहे इन पाबंदियों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल ले और अपने रास्ते से हटा ले। जैसे कि अमूमन देखा गया है कि दुनिया में जो अमूमन जमहूरियतें हैं वो अपने अपने मखसूस मफादात के तहत वो फ़ैसले कर करवा लेती हैं इसी चीज़ को लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने अशार में एक जगह पर बड़े ख़ूबसूरत तरीके से इसको बयान किया है अमा फरमाते हैं कि है वही साज कोहन मग़रब का जमहूरी निज़ाम जिसके पर्दों में नहीं गैर अजनवाए कैसरी तो उन्हें क्या देखा नहीं मग़रब का जमहूरी निज़ाम चेहरा रोशन अंदरों चंगेज से तारेख तर चुनाच इकबाल का ख़्याल है कि इबलीसी निज़ाम में मुल्क छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है और हर टुकड़े पर एक संग दिल जागीरदार या कोतवाल की हुकूमत होती है दोनों मिलकर आवाम का खून चूसते हैं उनके जज्बातें खुद ही कुछ कुचल डालते हैं और उन्हें अपना ग़ुलाम और ख़दमत गार बना लेते हैं इसी तरह आप देख सकते हैं कि तारीख में ब्रिटिश एम्पायर जो कि मुख्त ममालिक कामनवेल्थ थी इसी तरह इबलीसी निज़ाम भी जागीरदारों साल जाबिर और राशि हुक्मरानों की एक कामन सी बन जाता है जहाँ कदम कदम पर इंसानी शक्ल में खुदा नुमा नज़र आते हैं जो छोटे छोटे रकमों पर हुकूमत तो कर रहे होते हैं आवाम उनकी ज़मीनों पर हल चलाते हैं और उनके कुएँ खोदते उनके घोड़ों और कुत्तों को नहलवाते हैं उनके कसीदे पढ़ते हैं मदह मदाह करते हैं और शबरुस अमली तौर पर उनकी परस्तश में मह महव रहते हैं। काउंट यतोनी का कहना है कि ाल हुक्मरान ज़ाती शान शौकत ख़ानदानी गरूर फ़ौजी गहर व जबरूद और कत्लोगारत की हलनाखियों से इंसान को इस क़दर जलील बना देता है कि वो मजबूर और बेमहस हो जाता है काउंट का ख़्याल है कि इंसान अस, अस सरतपा ग़ुलामी में डूब जाता है और फिर अपनी नस्बत यकीन करने लगता है कि जैसे वो एक चुपाए की मानंद है जो सिर्फ़ इसलिए पैदा हुआ है कि अपने आकाओं की चाकरी करे और ग़ुलामी के लिए नई नई नस्लें पैदा करता रहे महमद इकबाल मलूकियत या इसी निज़ाम से हयात इंसानी के तमाम पहलू पर बात करते हैं लामा का ख़्याल है कि ना मजहब बाक़ी रहता है ना अखलाक यानी मलोकियत के ये बदतरीन असरात हैं इसमें ना फिर इल्म होता है और ना फिर शुात अपने बुलंदियों पर नज़र आती है ना खुद ही परवान चढ़ती है और ना ही मुरवत रहती है ना इंसाफ ना फिर एहसान और राया जो है ये जानवरों से बदतर बन जाती है और भीड़ बकरियों की तरह हो जाती है दूसरा एक बड़ा अहम मौजू है, है, है मलोकियत और मजहब का वाहम क्या तल्लुक़ है इस मामले में भी बहुत दिलचस्प एक कंपैरिजन हो सकता है मज़हब बुनियादी तौर पर नाजीन राय और राया हर दो के लिए चंद हदूद मकर कर देता है जिनसे तजावज़ दरअसल मज़हब से बगावत होती हैं अल्लाह ताला का हुक्म है कि इन अल्लाह या मुरुबिल मरूबिलादल वलसान यानी अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देता है चुनाचे वो नज़ाम हुकूमत जो अदल एहसान की रूह से महरूम हो जिसमें रंगो नस्बरीब अमीर और, बुलंद और पस्त के इम्तियाजा मौजूद हों जिसमें अरबाब इकतदार ज़रंदोजी और अयाशी में मुबतला हों जहाँ इंसाफ को एक जन समझ कर फ़रोख्त कर दिया जाता हो और जहाँ गुरबत जहालत और ज़हनी ग़ुलामी खूनखार इंसानियत की लाश को नोच रहे हों तो समझ लीजिए वहाँ अमला मज़हब की हक़ीकी रूह उठ जाती है इंसानी खिदमत ही दरअसल वो मैार है जिस पर किसी भी निज़ाम की खूबसूरती और उसकी बदसूरती का तयन की सिलसिले में करून ओला में ना हज़रत अबूबकर हज़रतमर रज़ील् ताल और खुलफा राशिदीन की मिसाल ही वो ताबनाक नमूना बन सकती है जिसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियों को ढाल कर अपने अहद नाउस्तवार को मुहकम और पायदार बना सकते हैं हज़रतमर रजाल्ल्ला तुकी की सल्तनत पच्चीस लाख मुरबा मील में फैली हुई थी और इराक व अजम के सर से लबालब था लेकिन उनकी अपनी कैफियत ये थी कि दिन को मज़दूरी करके बच्चों का पेट पालते और गवर्नरों का हाल ये कि एक मरतबा उमर ने मिस्र के गवर्नर अमर बिन अलास को लिखा कि जब हमने तुम्हें मिस्र का गवर्नर मुकर किया था तो उस वक्त तुम्हारे पास इतना सामान नहीं था जितना आज है इसमें तुम्हारा तमाम सामान जब्त किया जाता है तो इस तरह की बेशुमार ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निज़ाम अदल और एहसान ये किस कदर बुनियादी चीज़ होती हैं। मकसद ये है कि ऐसी सूरत ये मज़हब की असल रूह को परवान चढ़ाती है मज़हब की ज़िंदगी होता है इसलिए मलोकियत ने हमेशा मज़हब को बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम किए रखा है अव्वल बेज़र इबादत जहद व रहानियत कनात और इंकसार जैसी ऐसी अखलाक की कैफियत और जिससे अमली ज़िंदगी की तरफ रुझान बहुत कम हो जाए दूसरी तरफ मज़ब की एक दूसरी जो शक्ल है वो ये है कि वहदत तंजीम, जाँ फरोशी खुददारी और मैदान तलबी जैसे बहादुराना फ़जाइल ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मज़हब की एक दूसरी शक्ल होती हैं मलूकियत ने दूसरी जो शक्ल है मजहब की इसको हमेशा तारीख़ में अगर आप नज़र दौड़ाएँ तो इसकी पूरी कोशिश रही है कि मज़हब की ऐसी शक्ल जो अमल पर उभारे उसको पूरी ताकत से कुचलने की कोशिश की है और हमेशा मजहब के उस अवलिन शक्ल की बहुत हौसला अफजाई की है वजह क्या है वजह यह है कि वो इन सिफात की सरपरस्ती करके अवाम में मजहबी तो कहला सकते थे और दूसरी वजह यह है कि ये किरदार मिजाज ग़ुलामी और चाकरी को पुख्ता कर देने के लिए नहायत मावन साबित होता रहा यही वजह है कि कस्तूनतानी अव्वल यानी कुस्तुन्तुनिया का जो बानी था यानी जो कदीम जो बातनी सल्तनत वो बावजूद जाबर और ालम होने के इशात मज़हब वो अपना एक मुक़दस फरीज़ा समझता था इसी तरह इंग्लिस्तान का एक बहुत अहम हुरान गुजराया बादशाह गुज़रा है जिसका नाम हनरी हशतम है वो भी मज़हब को उसने अपने सियासी मकासद के लिए भरपूर इस्तेमाल किया हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने अपनी 200 सौ साल दौर हकूमत में खान का फरोश पीरों और इसी तरह नमाज़ फ़रोश अम्मा मसाजिद को हमेशा नवाजा ताकि एक तरफ मज़बी रहनुमाओं की हमदर्दी हासिल हो जाए तो दूसरी तरफ अवाम बस ज़ाहरी इबादत और पूजा पाठ को ही पूरा मज़हब समझ कर उसी में ही उलझे रहें और मज़हब के वो हयात बख्श पहलू की तरफ तोज्जो ही ना कर सकें ना गौरव फ़िक्र कर सकें ताकि इस तब्दियत का सिक्का जमा रहे इस हवाले से हकीम अलामा मोहम्मद इकबाल क्या फरमाते हैं आइए जरा देखते हैं अलामा कहते हैं खुदा बंदा ये तेरे दिल बंदे किधर जाए कि दरवेशी भी अभी है सुल्तानी भी अयारी इसी तरह हिजाज़ में इबलीस की एक मजलिस मुशावरत कायम करते हैं जिसमें इब्लीस अपने मशीरों से कहता है इकबाल इब्लीस के अलफा में कहते हैं खैर इसी में है कयामत तक रहे मोमिन ग़ुलाम छोड़ कर औरों की खातिर ये जहान बेसबात है वही शेर व तसवुफ़ इसके हक़ में खूब तर जो छुपा दे इसकी आँखों से तमाशाए हयात हर नफस डरता हूँ इस उम्मत की बेदारी से मैं है हकीकत जिसके दी की एहतसाब कायनत मस्त रखो ज़िक्र फिक्र सुब गाही में इसे पुख्ता कर दो मिजाज खान का ही में इसे अब इसके जवाब में फिर इकबाल आगे बढ़ते हैं और फिर कहते हैं पहला जो इबलीस का मशीर है वो कहता है है अजल से इन गरीबों के मुकद्दर में सुजूद इनकी फ़ितरत का तकाज़ा है नमाज बेकयाम आरजू अव्वल तो पैदा हो नहीं सकती कहीं हो कहीं पैदा तो मर जाती है या रहती है खाम ये हमारे सै पेहम की करामत है कि आज सूफ़ियों मलूकियत के बंदे हैं तमाम ये बहुत अहम है नाजें तब मशरक़ के लिए मौज़ू यही इफ़ून थी वरना कव्वाली से कुछ कमतर इल्मु, कलाम इसी तरह जब दूसरा मशीर इस ख़तरे का जिक्र करता है कि अब दुनिया से मलूकियत आहिस्ता आहिस्ता हट रही है और जमहूर का सैलाब बढ़ता हुआ आ रहा है तो फिर पहला मशीर कहता है हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी इकबाल फरमा रहे हैं हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास जब ज़रा आदम हु, आदम हुआ है शनासो, खुद शनासो, ख़ुद नगर कारोबार शहर यारी की हकीक़त और है ये वजूद और सुल्तान पर नहीं है मुनहसर मजलिस मिल्लत हो या परवेज़ का दरबार हो मजलिस मिल्लत हो या परवेज़ का दरबार हो है वो सुल्तान गैर की खेती पे हो जिसकी नज़र अलामा को ये ख़बर मिली कि पेरिस में एक अज़ीमुल शान मस्जिद तमीर हो गई है तो इस पर परामा ने एक बहु ख़ूबसूरत अशार कहे थे आपने फरमाया कि हरम नहीं है फरंगी करश्मा बाज़ों ने हरम नहीं है फरंगी करश बाज़ों ने तन हरम में छुपा दी है रूह बुत खाना ये बुतकदा इन्हीं गारत गरों की है तामीर ये बुतकदा इन्हीं गारत गरों की है तामीर दमिश्क़ हाथ से जिनके हुआ है वीराना अब इसी चीज़ को ज़रा देखिए कि काउंट यूटोनियो क्या कहता है काउंट यूटोनियो कहता है कि सियासी इस्तदाद मजहबी इस्तात से ही पैदा होता है अगर ये दोनों इस्ताद बाप बेटे नहीं तो भाई भाई तो ज़रूर हैं ये दोनों इंसान की ज़िल्लत और रसवाई में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं एक की हुकूमत जिस्म पर होती है और दूसरे की रूह पर नाजरीन अगर हम देखें तो काउटी चोनी और अल्लामा इकबाल के मज़हब और मलूकियत के बाहम जो तल्लक़ के हवाले से तो एक चीज़ वाज होती है कि यूरोप ने सियासत को मजहब से जुदा कर लिया लेकिन पादरी और सियासतदान एक दूसरे से अलग नहीं हुए सियासत कलीसस् की सरपरस्ती करती है और कलीसा अरबा सियासत के अजय को तकदस अता करता है एक चोर है और दूसरा परदादार एक शिकारी है और दूसरा दाम दर्दार। अलामा फरमाते हैं हुई है तर के कलीसा से हाकमी आजाद परंगियों की सियासत है देव बे जंजीर मताए गैर पे होती है जब नजर इसकी तो हैं हरावले लश्कर कलीसिया के सफीर तो हैं हरावले लश्कर कलीसिया के सफीर अमामा इकबाल के बकौल इंसानियत के चार शिकारी हैं अव्वल सूद खोर जो दुनिया के इकतदी तवाजुन को दरहम बरहम कर देता है दोम पीर जो कि इंसानी जहन को तवहमात का गुलाम बनाकर फिर अमलन अपनी प्रस्तश करवा रहा है सोम मुल्ला जो कौम को सल्बी इखलाक का दर्स दे रहा है और चहारम सुल्तान यानी वो हुक्मरान जो महाजन से जर जवाहर लेकर मुल्ला और पीर दो के ज़मीर ख़रीद लेता है और फिर इन सब की वसात से ये सुल्तान या हुक्मरान अवाम को अपना बंदा बेदाम बना लेता है जैसे इकबाल फरमाते हैं चार मर्ग अंदर पे इिर मेर सूद ख़ारो वालियो मुल्लाओ पीर चुनाचे काउंट दूसरी तरफ ये कहता है कि तमाम आयम सियासत हम जुबान हैं कि सियासत व मजहब हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं नाजरीन हमारी ये अभी ये गुफ्तगू जारी है आप इस सिलसिले में हमारे साथ रहिएगा उम्मीद है आपको अल्लामा मोहम्मद इकबाल और काउंट यटोनीों का ये एक तकाबली जायज़ा मलूकियत के हवाले से ये आपको यक़ीन पसंद भी आएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको संजीदगी से लेते हुए अपने आज के हालात के साथ इसका एक तकबुल भी कर पाएंगे। नाचरीन याद रखिए किमामा मोहम्मद इकबाल मेरी राय में ये महज बीसवीं सदी के ही फ़लसफ़ी और अबकरी और शायर नहीं हैं मेरा ख़्याल ये है कि आइंदा आने वाले तमाम ज़मानों के लिए इकबाल की अहमियत बरकरार रहेगी क्योंकि उनका पैगाम हुर्रियत का पैगाम है उनका पैगाम आज़ादियों का पैगाम है उनका पैगाम इंसानियत का पैगाम है उनका पैगाम मजबूरों महकूमों और मजलूमों की आवाज़ है और हुक्मरानों के इस्ताद मलूकियत के ख़िलाफ़ एक एलान जंग हैं ज़रूरत इस अमर की है कि हम इकबाल के इस पैगाम को अच्छी तरह समझें गाजी मोहम्मद अब्दुल्ला को फिल वक्त इजाज़त दीजिएगा अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए हमारे साथ जुड़े रहिए السلام عليكم ورحمه الله وبركاته